तो गाइज वेलकम बैक टू एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो में अपने पास रखा हुआ है TDS 7294 का कंप्लीट एम्पलीफायर, और इस एम्पलीफायर की वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले भी डाली थी। तो पहले इसको हम कर देते हैं ऑफ़। तो यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आ रही थी। तो ये जो एम्पलीफायर है गाइज, ये काफ़ी बंदे TDS 7294 का एम्पलीफायर बोलते हैं कि सर फोटो भेज दो, वीडियो भेज दो कोई है तो भाई चैनल पे विजिट कर लिया करो। इनकी जो वीडियोज हैं वो पहले से ही मेरे चैनल पे काफ़ी सारी पड़ी होती हैं, तो जो नए बंदे आते हैं भाई उनको दिक्कत रहती है, तो इसलिए जो वीडियो है वो दोबारा से डालनी पड़ती है। देखो साफ सीधी सी बात है बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारा एम्पलीफायर है इसको मार्केट का कोई भी एम्पलीफायर TDS 7294 का बीट नहीं कर सकता, प्राइस के मामले में भी और क्वालिटी के मामले में भी। तो क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो क्वालिटी वाइज यहाँ पे देख सकते हो फुल एक्रेलिक पैनल के अंदर बॉडी है, उसके बाद बॉडी की जो थिकनेस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद यहाँ पे जो बोर्ड की क्वालिटी है वो आप देख लो, उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर है वो देख लो, उसके बाद कूलिंग के लिए फ़ैन लगे हैं वो देख लो, सॉफ्ट स्टार्टर भी यहाँ पे लगा हुआ है ट्रोडल ट्रांसफार्मर के लिए वो देख लो। तो मार्केट के अंदर कोई भी ब्रांड का अगर आप TDS 7294 का अगर आप एम्पलीफायर लेते हो आपको 6,500-7,000 रुपये से कम नहीं मिलने वाला है, और उसके अंदर अगर आप उनके कंपोनेंट वगैरह उसके अंदर जो चीज़ें लगी हैं अगर वो देखोगे तो इसके मुकाबले आपको बहुत सारी मतलब बहुत ही कम चीज़ें देखने को मिलेंगी, इतने सारे ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट से अगर कोई भी आप एम्पलीफायर खरीदते हो TDS 7294 का, या तो वो आपको टावर में लगा ही मिलेगा 7294, ठीक है, या फिर अगर आप एम्पलीफायर भी परचेज करते हो तो उसके अंदर EI कोर के ट्रांसफॉर्मर होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, और उनके अंदर ना तो कोई स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह होती है ना सॉफ्ट स्टार्टर होता है, और ट्रोल ट्रांसफार्मर की बात छोड़ ही दो आप, ठीक है, और यहाँ पे ना उसमें आपको एक्रेलिक पैनल मिलेगा ना व्यू मीटर मिलेगा, कुछ नहीं, घंटा नहीं मिलता उसके अंदर, और आप लोगों को 6,500-7,000-10,000 ऐसे रेट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने काफ़ी टाइम से ये जो TDS 7294 का एम्पलीफायर बोर्ड है इसको काफ़ी टाइम से बनाया हुआ है, और इसका हमने मतलब यही किया था कि भाई इसका जो सेल होगी वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट एम्पलीफायर की होगी। तो काफ़ी सारे बंदों की रिक्वेस्ट आई कि भाई जो बोर्ड है उसको भी सेल करो, तो इसलिए फिर हमने जो बोर्ड है इसको भी सेल करना स्टार्ट किया, और इसकी जो साउंड है वो आपने स्टार्टिंग में जो मैंने सॉन्ग प्ले कर रखा था उसमें सुनी ली होगी कि किस तरीके की साउंड है इसकी, और बाकी आप यहाँ पे साउंड को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, बेस है ट्रेबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर हमने लो पास फिल्टर भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप इसी पे सबवूफर को अटैच कर दोगे, नहीं, अगर आप कोई एम्पलीफायर बना रहे हो 2.1 एम्पलीफायर बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको खाली एक और बोर्ड लगाने की ज़रूरत है मोनो बोर्ड की, 200 वोल्ट 100 वोल्ट जो आप लगाना चाह रहे हो सबवूफर के लिए, तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट करके उसको पावर अप करके ट्रांसफॉर्मर से एक सप्लाई और आपको निकलवानी पड़ेगी उसके लिए, तो उसके लिए 2.1 एम्पलीफायर भी आप इसके अंदर बना सकते हो, अलग से आपको कोई भी लो पास फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कनेक्शंस की जो वीडियो है वो मैंने पहले इसकी नहीं बनाई थी और खाली एम्पलीफायर के ही बारे में बताया था, तो यहाँ पे इसको देख सकते हो इसके जो कनेक्शन है बिल्कुल साफ सुथरी वायरिंग इसके अंदर कर रखी है हमने, और इसके जो कनेक्शन है बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल जो बंदा है वो भी इसके कनेक्शन कर सकता है, कोई इसके अंदर मोटी बात नहीं है कि भाई कनेक्शन कैसे करने, उलझ पुलझ वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, बाकी किस तरीके से इसके कनेक्शन कर रखे हैं और किस तरीके से ये वर्क करेगा वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो को ठोको लाइक और हो सके तो बंदों के साथ शेयर भी कर लेना, और यहाँ पे एम्पलीफायर का जो रेट है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एम्पलीफायर का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 6,200 रुपये का है, ऑल ओवर इंडिया आप इसको कहीं भी मंगवा सकते हो, और ये सिर्फ ऑर्डर पे रेडी किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट आप लोगों को दिख रहे हैं, कैबिनेट हो गई, बोर्ड हो गया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर हो गया, और अपना सॉफ्ट स्टार्टर हो गया, जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको अलग से भी मिल जाएंगी अगर आप अलग से इनको परचेज करना चाहते हैं तो, क्योंकि कई बंदों की हॉबी होती है कि वो खुद से एम्पलीफायर बनाना पसंद करते हैं, खुद से असेंबल करना पसंद करते हैं, तो वो चीज़ अपने आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो हम बात कर लेते हैं इसकी वायरिंग की, तो वायरिंग में देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहली चीज़ तो ये है कि जो TDS 7294 है उस पर हम मैक्सिमम 24024 तक का ही ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है इसको पावर अप करने के लिए हमने 24024 का ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो 24024 का ट्रांसफॉर्मर है, साथ में इसके अंदर सप्लाई निकली हुई है 12012
और 0 12, ठीक है। यहाँ पे है ये 12 012, ये है 0 12, सॉरी मेन, और यह है 0 12, ठीक है। 12 012 की इसके अंदर कोई जरूरत हालांकि है नहीं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेन सप्लाई है इसकी 24 024, उसी से पूरा का पूरा पावर अप हो जाएगा, जिसके अंदर इसी के अंदर जो हमारी फिल्टर वाली कैपेसिटर की पावर सप्लाई है वो भी इनबिल्ट है, स्पीकर प्रोटेक्शन भी इनबिल्ट है, यहाँ पे प्रीएम्प भी इनबिल्ट है, यहाँ पे लो पास फिल्टर भी इनबिल्ट है, यहाँ पे मेन बोर्ड भी जो हमारा 7294 का वो भी है। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसी के अंदर इनबिल्ट कर दी गई हैं, ताकि लंबी चौड़ी वायरिंग का जो झंझट है वो आप लोगों का खत्म हो जाए। तो सिर्फ और आपको इसके अंदर 24024 का ट्रांसफॉर्मर लगाना है, और जो हमारा एम्पलीफायर है ये मान के चलो कि वो बन के रेडी हो चुका है। आप उसको खाली ट्रांसफॉर्मर को ऑन करो, हमारा जो एम्पलीफायर है वो ऑन हो जाएगा। बाकी इसकी जो वायरिंग है वो रह गई है, पोटेंशियोमीटर वगैरह की जो वायरिंग होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोटेंशियोमीटर है यहाँ पे लगा है, ये है बेस का, ये है ट्रेबल का, और ये है मास्टर वॉल्यूम का, ठीक है। यहाँ पे है सबवूफर वॉल्यूम के लिए, यहाँ पे आप लगा सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कोई और बोर्ड अटैच करना है तो सबवूफर वॉल्यूम के लिए आप यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर और लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो सबवूफर के लिए इसके अंदर पोटेंशियोमीटर भी मैंने वैसे लगा रखे हैं, किसी को अगर बाई मॉडिफाई करना है तो वो हो सकता है इसके अंदर। दूसरी बात यहाँ पे है हमारी इनपुट, साफ साफ अक्षरों में यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है LGR, तो लेफ्ट ग्राउंड और राइट, इस तरीके से यहाँ पे हमारा इनपुट का सेक्शन है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है आउटपुट सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आउट है, सेंटर वाला ग्राउंड है, ये आउट है और ये ग्राउंड है, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये एम्पलीफायर है वो रेडी हुआ है। और स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे स्टीरियो बोर्ड है, तो डबल रिले यहाँ पे लगाई गई है, तो आप देख सकते हो। और इस एम्पलीफायर के अंदर जैसे मान लो कोई भी आप एम्पलीफायर लेते हो, आपने नोटिस करा होगा जब भी आप उसको ऑन ऑफ करते हो तो उसके अंदर से कट की आवाज़ आती है, जैसे ठप की आवाज़ आती है ना स्पीकर से, तो वो इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं आएगी, चाहे आप कितनी बार भी इसको ऑन करो, कितनी बार भी ऑफ करो। और जैसे कई बार क्या होता है कि घर के आप जैसे फैन वगैरह चलाते हो ना, तो भी एम्पलीफायर के अंदर आवाज़ नॉइज़ जो है वो आती है, तो वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी कहीं भी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो ब्लूटूथ है उसके कनेक्शन रह जाते हैं कि ब्लूटूथ को कैसे पावर अप इसके अंदर किया गया है। तो ब्लूटूथ के लिए भाई हमने यहाँ पे देखो इसके अंदर 0 12 की सप्लाई निकली थी ट्रांसफॉर्मर के अंदर से, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर पे हमने जो मेन है AC 0 12 वो यहाँ पे लगा दी है, तो यहाँ पे DC बन के आ गई है, ये है प्लस और ये है माइनस इस तरीके से, और यहाँ पे है 7805, ठीक है। तो इसके कनेक्शन आप लोगों को देखने हैं कि भाई 7805 के कनेक्शन आपने कैसे करे हैं, तो इसकी एक अलग से वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, कम से कम भी 2.5 3 साल पहले, ठीक है। तो वो आप जाके चेक कर सकते हो, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से 7805 या 7812, सॉरी 7812, ठीक है, 7812, तो इनके जितने भी कनेक्शन है वो सारे के सारे वहां पे मैंने समझा रखे हैं, तो वो आप देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद वीयू मीटर के कनेक्शन भी यहाँ पे देख सकते हो, वीयू मीटर यहाँ पे ये जो प्लस है और ये बीच वाला ग्राउंड है, तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस यहाँ से उठा के इसके अंदर दे दिया है, और ये है इनपुट जो कि मेन हमारा बोर्ड है, मेन जो इनपुट रहती है इसकी वो इनपुट हमें सॉरी मेन बोर्ड की जो आउटपुट रहती है वो हमें वीयू मीटर की यहाँ पे इनपुट पे देनी होती है। तो इनपुट पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेन हमारी आउटपुट है बोर्ड की वो यहाँ पे लगा दी है, और स्टार्टिंग में ही मैंने इसकी जो टेस्टिंग करी थी उसके अंदर आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो वीयू मीटर है वो भी हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बाकी अभी ये मतलब फुल कंप्लीट होकर रेडी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो नॉब वगैरह है वो लगानी है, और यहाँ पे सेलेक्टर स्विच की जो नॉब वगैरह है वो भी लगानी है, तो ये थोड़ा मोटा सा काम बाकी है। और कल भी मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो सॉरी जो साउंड टेस्टिंग की वीडियो है, कल भी मैंने कुछ सैंपल शॉर्ट्स के अंदर डाले थे और स्टेटस पे भी मैंने लगाए थे, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, और TDS 7294 की जो क्वालिटी है ना हमारे इस बोर्ड की है वो मार्केट का कोई भी बोर्ड टक्कर नहीं दे सकता भाई, चैलेंज है ये। कहीं भी कहीं से भी उठा के ले आना 7294 का बोर्ड, इसके साथ में अटैच करके आप उसको कंपेयर करके देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम, ठीक है। तो जिस बंदे को एम्पलीफायर रेडी करवाना है वो हो जाएगा, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो साउंड टेस्टिंग है वो मैंने शॉर्ट्स के अंदर डाल रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।